करा रही है जहां पे 25 जून का संविधान हत्या दिवस मनाएगी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करवाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द को झेला था। तो ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बड़ी जानकारी दी है, जहां पर 25 जून आपातकाल वाले दिन को, जिस दिन ये लागू किया गया था, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार मनाएगी, इसको लेकर जानकारी साझा की गई है। और ये बड़ा फैसला, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को हर साल मनाया जाएगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार संसद के सदन की शुरुआत होने से पहले, क्योंकि संसद के सत्र की शुरुआत होने से पहले, इस बात का जिक्र किया था कि 25 जून को 50 साल पूरे हो जाएंगे देश में आपातकाल लगे, और उसको लेकर जिक्र संसद के भीतर भी किया गया था। अब अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर साफ लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखी है, और अनामिका भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर लगातार हमलावर भी रहे सदन के भीतर भी। सीधे रुख करते शाहजी अलमी जी का, जुड़ रहे हमारे साथ। शाहजी अलमी जी, ये बड़ा फैसला किया गया है सरकार की ओर से 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, इसको कहें या फिर यूं कहें तो लोगों को याद दिलाते रहने का प्रयास यहां पर, साथ ही साथ कांग्रेस को याद दिलाने का प्रयास यहां पे कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में संविधान का सहारा लिया गया और अब उसी संविधान की हत्या करने वाले दिन को अब बीजेपी यहां पे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। देखिए, बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की है और देश के संविधान की है। और हमने देखा वो क्या काला खंड था वो वक्त, जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर लोगों की जो लिबर्टीज थी, जो आजादी थी, जो अभिव्यक्ति थी, ना सिर्फ उसको पूरी तरह से उसका गला घोटा गया, बल्कि आम लोगों के लिए कितना मुश्किल था जीना। और अगर कोई भी आवाज उठाता था उसको जेल के में या कारावास में बंद किया जाता था। तो मुझे लगता है हम चाहते नहीं है कि ऐसा कभी भी वक्त आए, और हम भारतीयों को हमेशा याद रखना चाहिए कि देखिए क्या हमारी फ्रीडम है, क्या हमारी आजादी है और क्या महत्व है लोकतंत्र का, इस जमहूरियत का और इस पूरी प्रणाली का, ताकि कभी भी ऐसा वक्त हम लोग आगे ना देखें। और कम से कम हम याद तो करें वो क्या काले दिन थे जिसमें हमारे बड़े बड़े विपक्ष के नेता या आम लोग या जो या नौकरशाह जिनको जबरदस्ती जेल में बंद किया गया था और किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं थी। हालांकि शाजिया जी, आप ये कह रही हैं, आप संविधान की रक्षा कर रही हैं, आप संविधान को मानते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार वर्सेस विपक्ष के बजाय अब संविधान वर्सेस संविधान हो गया है? आप कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, वो कह रहे हैं सरकार संविधान को मानती ही नहीं है। आपने भी देखा था कि कैसे संसद सत्र के पहले दिन, जब पहले दिन शुरुआत हुई थी, संविधान की कॉपी लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। और आपने भी देखा है, चाहे 2014 हो या 2019 हो या 2024 हो, जब जब नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाला है बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा संविधान के आगे नमन किया है। आप भी जानती है और देश भी जानता है, अगर संविधान के उसूलों की बात की जाए या उसकी आत्मा की जाए, तो कितनी बार उसकी हत्या करने की, उसकी गला घोटने की कोशिश हुई है, चाहे वो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हो या फिर पूरे प्रियम्बल को, जो कि आत्मा है, जो एसेंस है हमारे संविधान का, किस तरह से उसको तोड़ मरोड़कर नए शब्द लाकर पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको बदलने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के समय पर। तो ना सिर्फ ये, आप देखेंगे एक एक करके, इमरजेंसी तो खैर एक ही बहुत ही बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसमें कितने उदाहरण हैं। मेरी तो चुनौती है ये कांग्रेस पार्टी को कि क्या कोई भी उदाहरण वो दे सकते हैं ये भाजपा का, कि उन्होंने कभी भी संविधान की जो क्योंकि मर्यादा क्या कभी भी अपमान किया है किसी भी तरह से,
किसी भी संशोधन के जरिए या किसी भी प्रस्ताव के जरिए। जहां तक बात है कांग्रेस की, उदाहरण तो मैं कई आपको दे सकती हूँ। तो एक तरफ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, भाजपा अगर फिर से सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी, यानी कि ये होगा और कुछ भी हो सकता है, जो हुआ नहीं है उसको लेकर खौफ दिला रहे हैं। हम तो वो कह रहे हैं कि जो हो चुका है, तो जो हो चुका है, जो पूरे देश ने बर्दाश्त किया है, वो बहुत फर्क है जो हो सकता है या नहीं हुआ है। लेकिन शाजिया जी, हमेशा कांग्रेस कहती रही आपातकाल के मुद्दे पर कि भाई जो बीत गई वो बात गई, बीजेपी बार बार इसको याद दिला करके क्या साबित करना चाहती है? तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप लोगों का एक तरीके से यूं कहे तो प्रयास है, पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों को याद दिलाना, इसमें कामयाब हो पाएंगे? और जो कांग्रेस कहती है कि भाई जो बीत गई वो बात गई, रहने दीजिए, खत्म करिए, आगे बढ़िए, ये कहां तक जायज मानती है? इसे कहा जा सकता है कि जो बीत गई वो बात गई। वो बात क्या थी कि इतनी आसानी से बीत जाएगी वो? क्या लोगों के जो मेमोरी है उसे हटा देना चाहिए ताकि लोग भूल ही जाएं? क्या उनके स्मरण का वो हिस्सा नहीं रहना चाहिए? आप खुद देखिए कि बाकायदा ये सब हमारे देश ने देखा है और कांग्रेस सरकार द्वारा देखा है कि हमें याद नहीं करना चाहिए कि ऐसी कौन सी सरकारें हैं, ऐसी कौन सी असंवैधानिक ताकतें हैं या पार्टियां हैं जो लगातार खिलवाड़ करती रही हैं संविधान के उसूलों के साथ। हमें क्या बताना नहीं चाहिए कि आर्टिकल 356 90 बार उसका इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस सरकार ने? क्या हमें बताना नहीं चाहिए कि सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही 50 इलेक्टेड सरकारों को गिराया था इसी आर्टिकल को इस्तेमाल करके? क्या हमें बताना नहीं चाहिए लोगों को कि वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में लाया गया था? यानी कि जो चीज ना अम्बेडकर जी या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको शुमार करने का नहीं सोचा, वो इंदिरा गांधी लेकर आई हैं। ये तो बेसिक जो पूरी बुनियाद है, जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके साथ ही खिलवाड़ था। तो बताना ये जरूरी है बार बार लोगों को, ताकि लोग जाने कि क्या असलियत है इन सारी पार्टियों की। और दरअसल जो बात करते हैं संविधान बचाओ, कितने बड़े हथियारे रह चुके हैं संविधान के।